पीड़ित महिला ने मीडिया द्वारा लगाई शासन प्रशासन से न्याय की गुहार। कानपुर से खबर है, जहां पर न्यायालय में महिला के घर का पारिवारिक मंदिर पता 35/31 बंगाली मोहाल की रहने वाली पीड़ित महिला का कहना है कि रविंद्रनाथ बनर्जी, आकाश बनर्जी, आलोक बनर्जी ने मुझसे पैसों की मांग की और मेरे ऊपर दबाव बनाया और मंदिर की जगह पर कब्जा कर तोड़फोड़ भी की और प्रवेश आदि कार्य करने से अस्थायी निषेध आज्ञा आदेश द्वारा रोक दिया गया था। दिनांक 31 अगस्त 2024 को शाम 7 बजे महिला ने उपरोक्त स्टे और आदेश की कॉपी और एप्लीकेशन थाना प्रभारी कोतवाली को दी, लेकिन थाना प्रभारी ने कोर्ट के आदेश का भी अनुपालन नहीं किया और उन दबंगों का पूरा साथ दिया। पीड़ित महिला ने बताया कि 31 अगस्त 2024 लगभग 1 से 2 बजे के बीच सुब्रत बनर्जी और प्रांजल अन्य 4 से 5 अज्ञात व्यक्ति महिला के घर के दरवाजे की पारिवारिक मंदिर की दीवार फांदकर अंदर घुस आए और मंदिर पर से गेट का ताला तोड़ दिया और फिर माँ काली के कमरे का ताला भी तोड़ दिया। कमरे में रखे 40,000 रुपए नगद और सोने की नथनी लूट ले गए और अज्ञात लुटेरों को मंदिर के अंदर बैठा रखा और उन पर लोगों ने मुझे गाली और जान से मारने की भी धमकी दी। पीड़ित ने कहा कि सुबह 7 बजे के बीच 112 डायल की घटना दी गई और घटना की सूचना भी दी गई और थाने में तहरीर भी दी गई, लेकिन हरबंस मोहाल के थाना प्रभारी ने कोई कार्रवाई नहीं की और उल्टा उन पर ही दबंगों का साथ दिया। महिला को जान माल का खतरा है और पीड़ित महिला को भी कोई सुरक्षा नहीं दी जा रही है। यदि मंदिर प्रांगण में महिला के साथ कोई घटना होती है तो वो सभी लोग जिम्मेदार होंगे और पीड़ित महिला का ये भी कहना है कि अभी तक पुलिस प्रशासन के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं हुई है, अगर मेरी हत्या हो जाती है तो इसका जिम्मेदार पुलिस प्रशासन होगा। क्या नाम है? शुक्रिया चटर्जी। क्या मामला है? क्या मामला है? मेरा मामला है, मेरा एक पुस्तैनी मंदिर है जो हम लोगों का प्रॉपर्टी है और हम लोगों का जो घर है उसके ही जुज भाग में वो स्थित है। वो मंदिर में कोई पूजा करने के लिए जैसा पुजारी रखा जाता है वैसा कोई पुजारी था रखे गए थे, वो लोग फिलहाल धीरे धीरे वो मंदिर में आके दबंगी करना शुरू किए, अपना हक जमाना शुरू किए। और फिर हमने देखा जब 2018 में हम गए कर जमा करने के लिए मंदिर का, बहुत दिनों का बाकी था वो जमा करने गए, तब हम देखे वो जो पंचशाला है पंचशाला में नाम और किसी का चढ़ा, तो हमने छानबीन शुरू की। छानबीन जब शुरू किए तब मुझे पता चला नगर निगम ने कुछ साल पहले वो अपना जो जिनका था मेरे दादाजी का और दादाजी का भाभी का नाम था उसमें, वो भाभी का नाम काट के वहाँ किसी का नाम कोई दूसरे महिला का नाम चढ़ाया गया और वो कोई मुखर्जी के पत्नी है जबकि मेरा परिवार चटर्जी। तो इसको हम फिर नगर निगम के पास जाना आना जाना शुरू किए, उनको बार बार एप्लीकेशन देना शुरू किया, कुछ शुरू छोटे अधिकारी से शुरू हो के मेयर तक सब जगह हम गए, नगर आयुक्त, अपर नगर आयुक्त, एवरीबॉडी, ऐसा कि मुख्यमंत्री के पास भी गए, लोकायुक्त के पास भी गए, प्रधानमंत्री के पास भी गए, लेकिन हमें कोई न्याय नहीं मिला। इस मामले के संबंध में शासन प्रशासन से क्या आपकी? इतना ही मेरा गुजारिश है उन लोगों से कि ऐसा हम जैसे लोग जो साधारण नागरिक हैं जो ये सब झमेले में नहीं रहना चाहते हैं, कोई गुंडे ही हमको नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, हम सिर्फ अपना हक के लिए लड़ते हैं, इन लोगों को ये सहारा दे। और ऐसा जो हम लोगों को घुमाया जाता है गोल गोल एक दरवाजे से दूसरे दरवाजे पे, ये नहीं होना चाहिए, इतना तो हम उम्मीद रखते हैं अपने सरकार से। क्या आप कमिश्नर साहब के होंगे? डीसीपी साहब के पास आज हम गए थे, उनको भी हम पूरा बात बताएं, उन्होंने वहाँ तो कुछ आश्वासन नहीं दिए, वो थाने में उसको फॉरवर्ड कर दिए हैं एप्लीकेशन को। अब देखो थाना क्या कर, थाना तो कहते वो कुछ किया ही नहीं, थाना ने कुछ किया ही नहीं। जब हमने जाके उनको 31 तारीख को शाम को वो ऑर्डर दे दिए तो वो हमको बोल रहे हैं कि नहीं कब्जे का नहीं, ये सिर्फ निर्माण कार्य किया। हमने फिर बताया कि देखिए ये क्या लिखा हुआ है, हिंदी तो हम उतना स्ट्रॉन्ग, आई एम नॉट वेरी स्ट्रॉन्ग इन हिंदी, हाँ, लेकिन हमने पढ़ के उनको बताया कि देखिए यहाँ क्या लिखा है, आप बोल रहे हैं कब्जे का कैसा नहीं, ये कैसे है। तो उन्होंने मुझे कुछ समझा दिए और फिर रात को आके ये लोग तोड़ फोड़ करके अंदर चले गए। तोड़फोड़ करने वाले कौन कौन थे, क्या नाम था? वो रविंद्रनाथ बनर्जी थे और उनका जो दो बेटे थे वो लोग, उसके साथ उनका पुजारी था प्रांजुल नाम का एक लड़का, उनका नाती सुब्रतो और लोग थे। हम तो रात के अंधेरे में उतना गले जितना आवाज़ से थोड़ा बहुत पहचान पाए, लेकिन मोहल्ले में ही रहते हैं, आसपास रहते हैं, दबंग देखते हैं,
मोहल्ले का नाम क्या है? बंगाली महल। क्या नाम है आपका? विश्वजीत पाल नाम है। क्या मामला है? देखिए मामला ये है कि हमारी मुवक्किल सुप्रिया चटर्जी के पूर्वजों का एक मंदिर है, काली मंदिर, ये शिवालय में स्थित है, बहुत फेमस मंदिर है। और इनके मंदिर में इनके पूर्वजों ने अपने हिस्से से उस मंदिर को दान किया था और वो नगर निगम में नाम चढ़ा, इनके पूर्वजों का उस मंदिर में नाम भी आया। कमेटी के द्वारा प्रस्ताव संख्या, आदेश दिनांक, आदेश संख्या, सारा चीज़ उसमें मेंशन किया गया। अभी 2018 में इन्होंने टैक्स जमा करने के लिए नगर निगम गए थे, तो वहाँ पे इनको ये जानकारी हुई कि उस नगर निगम के पंसाला दस्तावेज में ओवरराइटिंग करते हुए किसी अन्य का नाम कर दिया गया। मतलब इनके जो बाबा की पत्नी थी सरला सुंदरी, उस सरला के ऊपर कट करते हुए सर्व लिख दिया गया, फिर उसको एरो बनाते हुए उसके नीचे उनके पति का नाम डाल दिया गया। इनको जैसे ही उस पंचशाला में ये डिफेक्ट मिला, इन्होंने शासन को, प्रशासन को, अधिकारी को, नगर आयुक्त को, कर अधीक्षक को, सबको प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन कोई भी उसमें कार्रवाई संतोषजनक नहीं की गई, जिसको कहा जाए लीगल। अतिक्रमण से पहले क्या नोटिस वगैरह आया था इनके पास? नहीं, यहाँ अतिक्रमण का विषय नहीं, यहाँ पर जो कूट रचना हुआ है उसके विषय में, इनकी प्रॉपर्टी में जो स्वामित्व का नाम था उसको कट करके ओवरराइटिंग किया गया, ये मामला था। तो हम लोग ने उसको सुधारने के लिए एप्लीकेशन दिया, लेकिन उसमें कोई सुधार नहीं हुआ। हम लोग यहाँ से लेकर प्रधानमंत्री तक पत्राचार किए, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। अभी 31 तारीख को हम लोग ने एक कोर्ट में मुकदमा फाइल किया। कोर्ट ने हमारे आर्गूमेंट को सुनने के पश्चात उस प्रॉपर्टी में जो विपक्षी संख्या 2, 3, 4 थे, उनके विरुद्ध स्टे आदेश पारित कर दिया गया। अब स्टे ऑर्डर की कॉपी हम लोग ने थानाध्यक्ष को प्रोवाइड करवाई, थानाध्यक्ष को बताया ये मामला, थानाध्यक्ष को ऑलरेडी पहले से भी जानकारी थी, लेकिन थानाध्यक्ष उनसे मिली भगत कर रहे थे, और मिली भगत करते हुए उनको उन्होंने कोर्ट के आदेश की कॉपी नहीं दी या अनुपालन नहीं करवाई, या उनकी मिली भगत है, ये भगवान जाने। थाना कोतवाली। अब जब 7 बजे कॉपी दे दी गई, उसके बावजूद रात के 1 से 2 बजे के मध्य जो विपक्षी संख्या 2, 3, 4 थे अपने 4-5 अज्ञात लोगों के साथ आए और मंदिर के दीवार को बांध कर अंदर आए, ताला तोड़ दिया, ताला तोड़ कर संदूक में जो पैसे ऐसे और रखे थे वो 40,000 लमसम थे वो निकाल ले गए, माँ की नथनी थी वो निकाल के ले गए, इनके परिसर में घुस आए, उसका रिकॉर्ड इनके पास बाकायदा सब रखा है। सुबह 6 बजे इन्होंने 112 डायल किया, डायल करने के बाद पुलिस को बताया, पुलिस मौके पर आई, सारी चीज़ नोट करके गई। थाने में 11 बजे इन्होंने प्रार्थना पत्र दिया, स्टे ऑर्डर की कॉपी पुनः प्रोवाइड करवाई, कोई कार्रवाई नहीं। फिर माननीय मुख्यमंत्री महोदय के जनसुनवाई पोर्टल पर शिकायत की गई, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं। आज DCP साहब को भी मामला अवगत करवाया गया, लेकिन अभी उनकी तरफ से भी कोई संतोषजनक कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया गया, ये मामला है। हमारा ये कहना है कि यदि कोर्ट के आदेश का अनुपालन इंस्पेक्टर साहब को कराए जाने के लिए हमारी तरफ से निवेदन किया गया था, तो उनको ये कार्रवाई करवाई जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उसे साफ पता चल रहा है कि इंस्पेक्टर साहब का उन लोगों के साथ मिलीभगत है और वो कोर्ट के आदेश का अनुपालन कतई ही नहीं करवाएंगे। पीड़ित महिला है, 75 ईयर्स ओल्ड की ये वृद्ध हैं और ये दर दर भटक रही है, इनको न्याय नहीं मिल पा रहा। कब्जे में कोई नहीं, कब्जे में यही है, लेकिन उन लोग मंदिर परिसर में लगातार आना जाना बनाए हुए हैं और बैठक कर रहे हैं, जिससे इनको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं। क्या मंदिर में कब्जे करने की कोशिश कर रहे हैं? मंदिर में तोड़फोड़ भी किया, बनाने का प्रयास किया, मंदिर में कंटिन्यू बैठे हुए हैं, पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करी, जबकि कोर्ट ने निर्देशित कर दिया कि मंदिर परिसर में उन लोग का कोई आवागमन नहीं होगा, कोई कब्जा नहीं करेंगे ना तोड़फोड़ करेंगे, केवल दृष्टिकोण यानी कि माँ के दर्शन के सिवा और उनको कोई अधिकार नहीं दिया गया। कानपुर से संदीप जायसवाल की रिपोर्ट।